चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मैं फुटबॉल खेल रही हूँ लोए। क्रिकेट माजी। हाँ मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। क्रिकेट माजी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ हाँ तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब वहाँ से बॉल कराए ना। अच्छा पहले बॉल ले आऊँ। यार माजी सही था, बॉल कराए ना। क्यों ये बॉल ठीक नहीं थी? चल फिर मैं दूसरी लेकर आती हूँ, जाना नहीं कहीं। अब देखना पीतल, मैं कैसे जाऊंगी इरफान की तरह ना बाल कराती हूँ। इमरान खान माजी। हाँ हाँ इमरान खान देख। सोने को कैसे पालूंगा? अरे मोमो सोने की सौतेली माँ उसका कैसे ख्याल रखेगी? ओ यार महमूद साहब माजी जिंदा है क्या? हाँ इनकी नब्ज चल रही है। हो सकता है आखिरी सांसें ले रही हो नबील। तू हो जाओ। अरे ठंडा होने दो इसे, आराम से इसका दम निकल लेने दो। चुप कर रही यार, पागल हो गए आप। अरे मेरी बीवी मर गई है, पागल पीला हूँ। ओ माँ जी मरी नहीं है यार, बेहोश हुई है। अरे ये घास पे गिर के कैसे बेहोश हो सकती है? हो सकता है बेहोश होकर घास पे गिरी हो यार। अब क्या करें नबील? पानी लेके आए यार, तुम्हें प्यास लगी है। अरे मैं पानी छिड़कने के लिए मंगवा रहा हूँ। घास पे माँ जी पर पानी डालना है। अरे नबील घर में पहले ही पानी नहीं आ रहा, तुम इस तरह जाया करोगे? महमूद साहब आपको पानी की फिक्र है, मेरी माँ की नहीं। अरे तुम्हारी माँ के लिए ही तो कह रहा हूँ, अगर इसे गुसल दिलाने की जरूरत पड़ी तो कहाँ से पानी लाएंगे? ओ यार माँ जी को अंदर लेके चले यार। यार नबील कुछ देर रुक जाते हैं यार, हो सकता है इसे बाहर ही ले जाना पड़े। महमूद साहब उठाए माँ जी को, उठाए माँ से। कलमाए शहादत। महमूद साहब माँ जी उठे, माँ जी आंखें खोले माँ जी। अरे यार नबील कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो बेहोश है, वो कैसे उठ सकती है? महमूद साहब यार आप तो चुप करें यार, आप ही चुप नहीं कर रहे हैं। माँ जी मोमो मोमो मोमो। अरे मोमो तुम जिंदा हो? क्या बदतमीजी है, हट पर। अरे मोमो क्या हुआ? खबरदार जो मुझसे फ्री होने की कोशिश की तूने, नौकर है तो नौकर बन के ही रहे। नौकर? नबील अपने बुड्ढे नौकर से कह दे कि मेरे साथ छछोरपन ना करे। माँ जी आपने मेरा नाम सही पुकारा। और सही नहीं पुकारा है, नबील पुकारा है। माँ जी नबील अपने उस नौकर महमूद से कह दे कि मुझसे दूर खड़ा हो। मोमो? और क्या मोमो मोमो लगा रखी है, मेरा नाम मुमताज है। महमूद साहब माँ जी की याददाश्त वापस आ गई है। क्या खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। मोमो तुम्हारे लिए चाय बना के लाओ। तो बनाई क्यों नहीं तुमने, खड़ा क्यों है? दफा हो, लावा जुटी तेरी। क्या है नबील? जानो माँ जी की याददाश्त वापस आ गई है। What? हाँ मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है नबील। नहीं यार मैं सऊं, माँ जी हम सबका नाम सही ले रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है नबील? ऐसा ही हुआ है खूबसूरत। अब क्या होगा यार? क्या मतलब? माँ जी अगर नॉर्मल होगी तो बुलबुले कौन देखेगा? तुम्हें बुलबुले की पड़ी है, मेरी माँ जी ठीक हो गई है। चलो चल के मुबारकबाद देते हैं। अच्छा तुम जाओ ना, मैं इसके बाल बांध के आती हूँ। कहाँ गया रबर बैंड बेबी? मामा मामा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार। बकवास बंद कर ठरकी बुड्ढे। अरे मोमो तुम्हारी याददाश्त गई हुई थी, तुम्हें याद नहीं आ रहा? मेरी याददाश्त कितनी ही गई क्यों ना हो, बल्कि गई गुजरी क्यों ना हो, मैं अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी नहीं कर सकती। मोमो अभी मैं अपने बेटे को बुला के तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ। नबील नबील क्या हुआ माँ जी? इस
इस आदमी को इसी वक्त नौकरी से निकाल दे अभी। ओके माँ जी। ये लड़की कौन है? माँ जी आपने मुझे नहीं पहचाना? ये मेरी बेटी है। नहीं माँ जी। तो फिर मुझे माँ जी क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं आपकी माँ जी। ये खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है तो इसलिए तू उसको घर ले आया है। वो माँ जी ये वो नौकरानी है माँ जी। क्या? तो ये बात इसे तूने बताई नहीं थी? बताई थी माँ जी, भूल गई होगी। सब छोड़, पहले इस आदमी को नौकरी से निकाल। माँ जी ये आदमी नहीं है, लड़की है। मैं इस बुढ़े महमूद की बात कर रही हूँ। छोड़े माँ जी, गरीब आदमी है, छोटा बच्चा है इसका, जाएगा कहाँ ये? तो फिर इससे बोल के मुझसे दूर रहे। ओके माँ जी। तेरे अब्बा कहाँ है? कौन से अब्बा माँ जी? बेगैरत बेशरम, तेरा एक ही अब्बा है और कहाँ है वो? माँ जी अब्बा जी तो मर चुके हैं। क्या? हाँ? कब? 15 साल पहले माँ जी। 15 साल हो गए तो तू मुझे आज बता रहा है? महमूद जा, जा जाके चांदनियों का बंदोबस्त कर। मेरा मियाँ मर गया है। अरे तुम्हारा मियाँ मैं हूँ और जिंदा हूँ। बकवास मत कर, पीछे हट बगैरत, मैं इद्दत में हूँ। यार नबील महमूद साहब, अल्लाह को यही मंजूर था यार। तुमने मुझे नौकरानी कहा, तुम्हारी ये हिम्मत? जानू और मैं क्या कहता, माँ जी को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुम तो कह रहे थे माँ जी को सब याद आ गया नबील। जानू मुझे लगता है माँ जी को 15 साल से पहले का सब याद आ गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। 15 साल पहले तुम इतने बड़े थे? जानू मैं तो धुएं के जमाने से ही माशाल्लाह इतना बड़ा हूँ। शट अप नबील। ओके जानू। मुझे कहाँ छोड़ के चले गए नबील के अब्बा? माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तू कौन है भाई? मैं आपका बेटा माँ जी। मेरा बेटा तो नबील है। माँ जी मैं सोना। सोना है तो अपने घर जाके सो, चल यहाँ से दफा हो जा। माँ जी तू राना रिजवान का बच्चा है ना, खेलने आया ना इधर, जा जाके लॉन में खेल। माँ जी मैं आपका बच्चा हूँ। खबरदार जो मुझसे फ्री होने की कोशिश की, चल दफा हो जा इधर से। देखा आपको कैसे अजनबी बच्चे आके छेड़ रहे मुझे और आप मुझे छोड़ के चले गए हैं। अरे नानी बहुत मुबारक हो आपको, माँ जी ठीक हो गई हैं। आप फिक्र नहीं करें, आप शुक्राने के नफल पढ़ें और फोन भी बंद करें, मैं अपने फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। अरे यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम मुबारकबादें देते फिर रहे हो। महमूद साहब आपको खुश होना चाहिए कि माँ जी को सब याद आ गया। अरे क्या खाक याद आ गया, वो तो ये भी भूल गए कि मेरी और उसकी शादी हुई थी और मेरी तुमसे। यही तो एक अच्छा काम हुआ है नबील। अरे तुम्हें क्या हुआ है? माँ जी कह रही मैं उनका बेटा नहीं हूँ। देखा, देख लिया तुमने, अरे उसको तो अपनी औलाद की भी नहीं पहचान। अरे महमूद साहब मुझे तो देखते ही पहचान गई थी। अरे सोने को तो नहीं पहचान रही ना? जानू हो सकता है उन्हें सोने की पहचान ना हो। अब क्या होगा महमूद साहब? अरे मुझे क्या पता यार, आप लोग इधर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। नबील दरिया क्यों नहीं मंगाई है अबे तक? माँ जी आपने गाना सुन ले? बेशरम मुझे तेरे अब्बे के चने पड़ने। अब्बा के चने आपको कहाँ से मिले? बकवास बंद कर। सुने ममाद, अब क्या है? 11 लोगों के हिसाब से आलू गोश पकवा जाके। लेकिन हम तो सिर्फ 4 हैं। मैं तुम लोगों के खाने के लिए नहीं बनवा रही हूँ, मैं अपने मियाँ की फातिहा के लिए बनवा रही हूँ। अरे लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ चल जाके खाना पका। वो जो जाके बनाना है वो खाना है? ओए खाना नहीं है, खाली पकाना है। अबे चल सोने। मुझे नहीं सोना। अबे चलना यार, चला आ जा। ये बच्ची कौन है? मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। मैं इस बच्ची की बात कर रही हूँ। ये चांदी है, हमारी बेटी। हमारी? इसका मतलब है माँ जी वो इसकी और इसके शोहर की बेटी है। और मुझे ये नौकरानी कम तेरी बीवी ज्यादा लग रही है। नहीं माँ जी, कहाँ मैं और कहाँ ये। उठा लड़की, इधर कुर्सी पे बैठी क्या कर रही है, जा जाके अंदर सफाई कर, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ चल चल सफाई कर अंदर जाके। जबीर तू दरिया चांदियों का बंदोबस्त कर, चल दफो। अच्छा माँ जी अच्छा, सफाई कर। चलो दौड़ जाओ इधर से सारे। जो बाबा के साथ में आ रही, चलो बाबा के साथ, चलो तू भी जा। झाड़ू पोछे लगा दी, वो पूरे जमा हो गए सारे इस घर में। पढ़ नहीं रहा,
माँ जी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और वैसे भी मैंने कौन सा पढ़ लिख के नौकरी करनी है, मैंने तो बिजनेस करना है, अपना बिजनेस। मैं चनों की बात कर रही हूँ बेशरम। माँ जी मैं चनों का बिजनेस नहीं करूँगा। लगता है तुझे अपने बाप की मौत का जरा भी अफसोस नहीं है। ओ माँ जी अब्बा जी को मरे हुए जमाना हो गया यार। वो मरे कैसे थे? रूह निकलने से। उन्होंने रूह देख ली थी? नहीं माँ जी। तो फिर उन्हें क्या हुआ था? माँ जी ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने राइटर से कभी डिस्कस ही नहीं किया। जब हमें स्क्रिप्ट मिला तो हमें पता चला कि अब्बा जी मर चुके हैं। घटिया राइटर ने बगैर पूछे मेरे शौहर को मार दिया है, तो चला पूछेगा अली इमरान? ओ माँ जी अगर उसे बताकर मारता तो सबको पता चल जाता, उसे जेल हो जाती, फिर वो हमें स्क्रिप्ट कैसे देता? हैं? पापा, इट्स नॉट कॉलिंग यू। अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। ये तुझे पापा क्यों बोल रही है? माँ जी वो कह रही थी कि उसकी माँ ने उसके पापा को कॉल करनी है, मैं अभी आया। तू कहाँ जा रहा है? माँ जी मैंने फोन पे ताला लगाया हुआ है, अभी खोल के आता हूँ। आप पढ़ने चले पड़े, ये पढ़ लिया आपने? और पढ़े। क्या हुआ चंदू? बहुत हो गया नबी, बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसे? तुम्हारी माँ को। खूबसूरत। अरे इस घर का किराया मेरा बाप देता है, खर्चा मेरा बाप देता है, और काम भी मैं करूँ, तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया नबील। सॉरी जानू। मैं अभी जाके तुम्हारी माँ को याद दिला देती हूँ कि मैं कौन हूँ। नहीं जानू अभी नहीं, अभी माँ जी को ना अब्बा जी की मौत के सदमे से बाहर आने दो। तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी नबील। नबील जानू बस कल तक का टाइम दे दो, मैं माँ जी को सब कुछ खुद बता दूंगा। अब तो खुश होगा जानू। शट अप नबील। खाना बन रहा है? करो। जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। ये खाना तुम अपने लिए बनवा रही हो? तमीज से बात करो मुझसे, तुम क्या लगा रखी है? सॉरी ये खाना आप अपने लिए बनवा रही हैं? और नहीं तो क्या, तेरे लिए बनवा रही हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि 11 लोगों के हिसाब से खाना पकाओ, मैंने सोचा आपने बांटना होगा। मैं हिसाब किताब से खाती हूँ, 11 लोगों से ज्यादा नहीं खाया जाता मुझसे। ज्यादा बातें ना बना, जल्दी जल्दी से हाथ पाँव चला। ये जो जल्दी जल्दी चलाना है वो हाथ और पाँव है? अच्छा जी, इधर से। यार महमूदा, क्या है? मुझे सुसु आ रही है। अरे तो मैं क्या करूं? आपने करे मैं करूंगा। अरे तो कर लो भाई। ओके। क्या हुआ? कर ली मैंने सुसु। क्या? ए लड़की कहाँ थी तू? कमरे में। कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं इधर इतना काम पड़ा है, तू मस्ताती फिर रही है, जा जाके बर्तन धो। क्या? हाँ बर्तन धो, और रात को ना मेरे पैर दबाने तूने जब तक मैं सो ना जाऊं। माँ जी मैं जाऊं? कहा सोने के लिए? खबरदार चुप करके मेरे पैर दबाती रह। माँ जी जब तक मेरी आंखें बंद ना हो तू पैर दबाती रहेगी मेरे। मैं ऐसा करती हूँ आपका गला दबा देती हूँ ताकि आपकी आंखें भी बंद हो जाएं। अपने बच्चे को अंदर बुला लो मोमो। बकवास बांध कर, मेरे बाप की उम्र का है तो अपने आप को बच्चा समझ रहे तू? अरे मैं सोने की बात कर रहा हूँ यार। एक जवान पराई हसीन बेवा के कमरे में सोने का तूने सोचा भी कैसे? मोमो हट इधर से। नबील नबील जल्दी आ, नबील नबील खोल, आ जल्दी आ। क्या हुआ? देखिए आदमी ना, ये आदमी अंदर घुस के सोने की बातें कर रहा, समझा इसको? क्या मेहमान साहब? अरे मैंने तो सोने के लिए कहा था। क्यों बाहर नहीं सो सकते आप? अरे अपने बच्चे सोने के लिए यार नबील, वो बेचारा सोफे पे सो रहा है। देख लिया नौकरों का मुंह लगाने का अंजाम। क्या हुआ नबील? ये अंदर क्या कर रही थी? माँ जी ये ना ये सफाई कर रही थी माँ जी। बेहया बेशरम बेगैरत, शर्म नहीं आती?
तू किस शरीफ बाप की शरीफ औलाद है, और अभी तो तेरे बाप की कब्र की मिट्टी भी नहीं खुश्क हुई थी तो तूने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी है। ओ माँ जी, अब्बा को तो पता नहीं कब से कीड़े खा गए होंगे। कि तुम्हारे अब्बा की मौत कीड़े लगने से हुई थी? मेहमान साहब, बस अब बहुत हो गया है, इन दोनों नौकरों को ना घर से धिक्के मार के बाहर निकाल। क्या माँ जी, इस वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। माँ जी ठीक है, इन दोनों से बोल कि अपने अपने बच्चे लेके उधर लाउंज में सोएं सारी रात, और सवेरे सवेरे ना रवानगी डाल दें। ओके माँ जी, अब तुमने सुना नहीं माँ जी क्या कह रही हैं? चलो शट अप। माँ जी आपने देखा मैंने कैसा डांटा है। शट अप। देखा नबील, माँ जी ने कैसा डांटा है। शट अप। महमूद साहब ऐसे कैसे चले गए यार? कौन? माजी की यादाश्त ठीक हो ना तो हमारे लिए अजाब हो गया महमूद साहब। हाँ देखो ना खूबसूरत, उसे अपना मासूम बच्चा तक याद नहीं है। काश माजी को कुछ याद ही ना आता। अरे याद तो अभी भी उसे कुछ नहीं है। हद हो गई है यार। अब हम करेंगे क्या महमूद साहब, हमारे बच्चे कब तक यहाँ लाउंज में सोएंगे? मैं अपने बच्चे को सोफे पे नहीं सोने दूंगा। आप इसे जगा देंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे? अब तुम देखो कि मैं करता क्या हूँ। अरे हमारी नींदें खराब करके तुम यहाँ चैन से सो रही हो। खबरदार जो मेरे करीब आया, पर हट, मुझे तेरे साथ करकट नहीं खेलनी। चुप कर, जाता है या बुलाऊं अपने बेटे को? बुला ले। नबील, नबील, ऐशे महमूद साहब आपने मेरी माँ को मार डाला। चलो नबील अब हम आराम से चल के सोते हैं। मेरी माँ मर गई है और तुम्हें सोने की पड़ी हुई है। सोने की नहीं पड़ी, चांदी की पड़ी हुई है यार, उसका सुबह स्कूल है। चुप करो। माँ जी, माँ जी। अल्लाह जी, हाय 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 हाय। माँ जी आप ठीक तो है ना? पुत्र कबीर, शबीर ने ना मुझे होंकी मारी थी। बैट। हाँ इस बैट ने ना मुझे होंकी मारी थी। माँ जी इनका नाम महमूद है। हाँ पुत्र, इस बैट ने मुझे महमूद मारा था। माँ जी आपकी यादाश्त आ गई? मेरे मतलब चली गई, मेरे मतलब ठीक हो गई आप? न तो मुझे हुआ क्या था फरकंदा। मुबारक हो महमूद साहब। अरे मुबारक हो मोमू। चल यार चल, उस पार चल दुनिया।